कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कहर के बाद येलो फंगस ने भी यूपी में दस्तक दे दी है। यूपी के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। येलो फंगल ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस लक्षण को मुकोर स्पेक्टिकस का नाम दिया गया है। गाजियाबाद में पहला केस सामने आया है। येलो फंगस से पीड़ित मरीज गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मरीज की उम्र करीब 34 साल है और वह पूर्व में कोरोना संक्रमित रहा है। इसके अलावा वह डायबिटीज से भी पीड़ित है। येलो फंगस के लक्षणों के बारे में आप सब ऐसे पता लगा सकते हैं। येलो फंगस एक घातक बीमारी है क्योंकि यह आंतरिक रूप से शुरू होती है। इसके लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना और वजन कम होना बताया जा रहा है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये घातक होता जाता है। घावों से मवाद का रिसना और संभवतः खुले घाव की धीमी गति से ठीक होना और सभी घावों के ठीक होने की धीमी गति करना इसके प्रमुख लक्षण हैं। कुपोषण और अंग विफलता और अंततः परिगलन के कारण धसी हुई आँखें इसके लक्षणों में से प्रमुख लक्षण हैं। ENT सर्जन डॉक्टर पाल त्यागी के अस्पताल में मरीज का इलाज शुरू हो गया है। येलो फंगस का इलाज इस तरह से किया जा सकता है। मुकोर स्पेक्टिकस के लक्षण हैं सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना। पीले फंगस का प्रमुख कारण स्वच्छता की कमी है। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस फैलने का प्रमुख कारण अनहाइजीन है, इसलिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छता रखना ही इस बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। पुराने खाद्य पदार्थों को जल्द से जल्द हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। येलो फंगस से बचाव के लिए घर की आर्द्रता बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर समय मापा जाना चाहिए। बहुत अधिक आर्द्रता बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।